उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी एमपी की उच्च शिक्षा व्यवस्था सुधारने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में वो यूके के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आयोजित एक सेमिनार में हिस्सा लेने जा रहे हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए विशेष रूप से जीतू पटवारी को आमंत्रित किया गया है। जीतू पटवारी के मुताबिक वो राज्य में भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसी व्यवस्था लागू करने की कोशिश करेंगे ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। देश का पूरे भारतवर्ष से मुझे एज एजुकेशन मिनिस्टर आमंत्रित किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुए कि आपको जाना है। मध्य प्रदेश में जन भागीदारी ज्यादा है एजुकेशन सेक्टर में, कैम्ब्रिज में, और विश्व स्तर के जो एजुकेशन की नई व्यवस्था है, नई पॉलिसियां है, नया विजन है, वो मध्य प्रदेश की जमीन पे कैसे उतरे, हमारे बच्चों को उसका लाभ कैसे मिले। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अभी हमने लगभग इंटरव्यू किया था थोड़े दिन पहले। अब वहां के और कोर्सेज जो रोजगार मुखी हो, हमारे बच्चों को और हमारे संस्थानों को देश में अव्वल लेके आए, दुनिया में अव्वल लेके आए, उस नई विधायक की दो दिन की कॉन्फ्रेंस है, उसमें मैं मध्य प्रदेश का पक्ष भी रखूंगा। भारतवर्ष की हमारी प्राचीन सभ्यता जो एजुकेशन के मामले में गौरवमयी रही है उसकी बात भी करूंगा। भावी आने वाला समय हमारा एजुकेशन को लेकर किस तरीके से काम कर रहा है और आगे कैसे हम और नए नवाचार करेंगे इसकी बात भी करेंगे। और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश का पक्ष, देश का पक्ष अच्छे से रखूं। जीतू पटवारी आज सुबह ही इंदौर के देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर देवी अहिल्याबाई होल्डर विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार समेत कई अधिकारियों ने छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे और जीतू पटवारी को शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।